फिर फर्दर हम आगे बात करेंगे। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि पहला काम ये मान लो क्या हो गया, ये मान लो ये कोई सर्कुलर पाथ है। और पहला पॉइंट ये अज्यूम कर लीजिएगा कि सर्कुलर पाथ का अनडाउटेडली कुछ रेडियस होगा। तो लेट मी टेक टू पॉइंट्स। एक तो हम यहाँ पर अस्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई वेलोसिटी है पार्टिकल की, एंड आई एम प्रूविंग दिस फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक बात याद रखो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए, ऑल्दो आई एम प्रूविंग दिस फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बट द सेम रिजल्ट विल बी यूज्ड इन द नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑल्सो। तो चाहे सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, रिजल्ट विल रिमेन सेम फॉर द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो हम थोड़ा आसान रखने के लिए वी विल बी प्रूविंग इट फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैंने आपसे बोला था कि वेलोसिटी की डायरेक्शन सिर्फ चेंज होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल रिमेन सेम। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि यहाँ पर मैं ये कहता हूँ कि वेलोसिटी वेक्टर इज वी वन एंड यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर इज वी टू। तो वेलोसिटी एज अ वेक्टर इज चेंजिंग, राइट? वेलोसिटी एज अ वेक्टर चेंज होगा और ये रेडियस है आपका। वेलोसिटी एज अ वेक्टर चेंज होगा, वेलोसिटी एज अ वेक्टर तो चेंज होगा, बट मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेलोसिटीज विल नॉट चेंज। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड वी टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू वी। That is magnitude wise, both the velocities are same. ठीक है? और uniform circular motion हमने consider किया तो undoubtedly velocity has to be same. ये मान लीजिए यहाँ पर angle being subtended is delta theta. This point is P, this point is Q. ऐसा assume कर लो. Delta theta में याद रखिएगा delta theta is very small. ये जो angle हम consider कर रहे हैं ये बहुत small consider कर रहे हैं. तो ये जो डेल्टा एस होगा, डेल्टा एस दैट इज द लीनियर डिस्टेंस ऑन या आर्क, द लेंथ ऑफ दिस आर्क फ्रॉम पी टू क्यू, दैट डेल्टा एस विल आल्सो बी वेरी स्मॉल। ये भी बहुत छोटा होगा भाई, इस आर्क की लेंथ भी बहुत छोटी होगी। तो डेल्टा थीटा भी बहुत छोटा है और डेल्टा एस भी बहुत छोटा है, ठीक है? डेल्टा एस इतना छोटा है कि सो दैट पी से क्यू को अगर मैं ज्वाइन करूं, यहां से अगर इफ आई ड्रॉ लाइन to join P and Q, तो it can be treated as a straight line. आपको भले इस डायग्राम में ऐसा नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि हमने इसको बड़ा करके दिखाया है ताकि हमें चीजें समझ आए, बट इन रियल प्रैक्टिस आप ये समझो कि यह जो आपका डेल्टा थीटा लिया गया है या P और Q लिया गया, they are very close points. और ये इतने close हैं कि P से Q तक का जो सर्कुलर आर्क है, P से Q तक का जो सर्कुलर आर्क है, उस सर्कुलर आर्क की लेंथ को हम ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। P से Q तक का जो सर्कुलर आर्क है उसकी लेंथ को हम ऑलमोस्ट कैसे ट्रीट कर सकते हैं बच्चों? स्ट्रेट लाइन की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है? डेल्टा एस आपका डिस्टेंस है, डेल्टा एस लेंथ ऑफ द आर्क बताया था ना कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूमेगा तो इट विल सबटेंड सम एंगल एट द सेंटर एज वेल एज इट विल कवर सम लेंथ ऑन द सर्कुलर आर्क या सर्कल। भाई P से Q अगर आप जाएंगे तो P से Q तक का जो ये लेंथ ऑफ द आर्क है वो कवर करेंगे ना? यस सर। तो वही डेल्टा S इज द लेंथ ऑफ द आर्क दैट इज कवर्ड बाय द पार्टिकल इन गोइंग फ्रॉम P टू Q, एंड डेल्टा थीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क एट द सेंटर। समझे या नहीं? ठीक है, तो डेल्टा S इज वेरी स्मॉल। और वैसे भी आप जानते हैं कि अगर आप एक सर्कल ले लें और इस सर्कल का एक बहुत छोटा सा पोर्शन लोगे ना, तो ये बहुत छोटे से पोर्शन को आप ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन की तरह ट्रीट कर सकते हो, ठीक है? तो दैट इज व्हाई हमने डेल्टा एस बहुत छोटा लिया है। अब देखिए सर, एक बात समझिए, यहाँ पर इस पॉइंट को हम ओ कह लेते हैं। अब एक बात समझिए, अगर आप इस पॉइंट पे वेलोसिटी देखिए, पी पॉइंट पे वेलोसिटी, तो ये ऐसे डायरेक्टेड है और इसको मैं अलग से अगर ड्रॉ करूं तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसे है? देखिए बेटा, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो दिस वी वन इज लाइक दिस। Can you see this? Please respond. भाई इस V1 को उठा के मैं इधर दिखा दूं, मैं अलग से दिखा रहा हूं, ठीक है? एक तो सर्कल पे दिखाया, इसी को थोड़ा अलग करके दिखा दे, तो V1 को हम उधर दिखाएं, तो V2 को अगर आप देखेंगे तो V2 की डायरेक्शन जिस तरह से है उसको अगर हम देखें तो इसी पॉइंट से हम V2 को इधर दिखा सकते हैं क्या बेटा? प्लीज बताना अगर समझ में आए तो। हाँ सर, कर सकते हैं, पैरेलल अगर उसको हम ले लें, मतलब है ना, इसको अगर किसी को नहीं समझ में आया क्योंकि सबने बोला नहीं, तो इसको देखो, इसको एक्सटेंड करोगे तो ऐसे एक्सटेंड होगा, इसको एक्सटेंड करोगे तो ऐसे एक्सटेंड होगा, तो ये इसकी डायरेक्शन यहाँ पर दिखा सकते हैं और ये ऐसे दिख रहा है, तो वही हमने अलग से दिखाया है, ठीक है? बात समझ में आई? सब बोले हैं,
सिर्फ ऋषिक नहीं बोलेगा, बाकी लोग भी प्लीज बोलें। यस सर। अब दूसरी बात यहाँ पर और ऑब्जर्व करिए, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, क्योंकि आप सर्कुलर मोशन में किसी भी पॉइंट पे जो आपकी वेलोसिटी होगी वो अनडाउटेडली टेंजेंशियल होगी, तो एट एवरी पॉइंट वेलोसिटी इज टेंजेंशियल। और आपने बचपन में पढ़ा है कि रेडियस और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है इट इज ऑलवेज 90 डिग्री, तो यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पर भी ये एंगल 90 डिग्री बनेगा। और इस पॉइंट को मैं कुछ नाम दे देता हूँ, ये ओ पी क्यू है, इसको कुछ नाम दे दो, इसको कुछ एक्स कह दो। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको एक बात समझ में आएगी, इन ओ पी क्यू एक्स, या आप ये कह सकते हैं कि ओ पी एक्स क्यू इज अ क्वाड्रिलेटरल, है ना, इसको हम क्वाड्रिलेटरल मान सकते हैं या नहीं? इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो आप मुझे एक बात बता सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स का सम कितना होता है? क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है ऋषिक? 180 होता है भाई, सबको पता है, ये वाला 90, ये वाला 90, तो इन दोनों का सम 180 हो गया, ये डेल्टा थीटा, तो ये वाला एंगल कितना होगा? दिस विल बी इक्वल टू 180 माइनस ऑफ डेल्टा थीटा, से समथिंग। तो ये वाला जो एंगल होगा, सर आपकी वॉइस लैग कर रही है, मतलब दो वेलोसिटी के बीच के एंगल को भी मैं, सर आपकी वॉइस लैग कर रही है। हाँ भाई आप जा रही है आवाज? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखें, आपको मालूम है कि ऑपोजिट एंगल का सम 180 होता है, तो एंगल एट ओ और एंगल एट एक्स का सम कितना होना चाहिए? 180। एंगल एट ओ, एंगल ओ प्लस एंगल एक्स का सम 180 होना चाहिए, और आपको मालूम है एंगल एट ओ इज डेल्टा थीटा प्लस ऑफ एंगल ऑफ एक्स इज इक्वल टू 180 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये एंगल के लिए लिखा है ऐसे, है ना, इसका मतलब एंगल एक्स का सम कितना होगा? 180 माइनस ऑफ थीटा, तो इसीलिए ये एंगल एक्स 180 माइनस ऑफ थीटा हुआ है, समझ में आई बात? तो अगर ये 180 माइनस थीटा है तो ये वाला जो एंगल होगा ये थीटा होगा या नहीं? अरे दो वेलोसिटी के बीच का एंगल थीटा होगा या नहीं? इस लाइन को एक्सटेंड कर दो, इस लाइन को एक्सटेंड कर दो, और ये वाली लाइन यहां से मिलाओ, तो ये एंगल थीटा मतलब डेल्टा थीटा होगा या नहीं होगा? सर होगा, होगा सर। तो इस वाले एंगल को आप डेल्टा थीटा कह सकते हैं, मतलब वेलोसिटी वेक्टर से अगर मैं कोई ट्रायंगल बनाऊं तो उस वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल जो होगा वो डेल्टा थीटा होगा। दूसरी बात आप ये कह सकते हैं कि ये वाली वेलोसिटी वेक्टर ऐसे है बेटा, देखो ये वाला इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर एट पॉइंट पी जो है ये इसकी डायरेक्शन इधर है, पॉइंट पी पे वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है, पॉइंट क्यू पे वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है, तो दिस विल बी द चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, से समथिंग। यस सर। अब अगर आप ध्यान से देखो, नहीं होगा रिजल्टेंट जो होगा, ठीक है। अब ये ध्यान से देखो, आपको मैं दो ट्रायंगल दिखा रहा हूँ, इसके भी इसका भी नाम लिखा है मैंने, तो अगर आप देखो तो ट्रायंगल ओपीक्यू एंड ट्रायंगल एबीसी आर सिमिलर ट्रायंगल्स, ध्यान से देखो इन दोनों में सिमिलैरिटी है या नहीं? आर सिमिलर ट्रायंगल्स, इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या है? इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर आप देखो तो सिमिलैरिटी है। कैसी सिमिलैरिटी? तो देखो OP और OQ इज रेडियस एंड दे आर इक्वल, OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू रेडियस है। उसी तरह से अगर आप यहां पे देखेंगे तो AB इज इक्वल टू AC विल बी इक्वल टू V, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों सेम है ना बेटा, ए बच्चों। Yes, sir. दूसरी सिमिलैरिटी क्या है? दूसरी सिमिलैरिटी देखो कि एंगल ओ इज इक्वल टू डेल्टा थीटा, तो उसी तरह से यहां पर अगर आप देखें तो एंगल ए इज ऑल्सो इक्वल टू डेल्टा थीटा है, यानी दूसरी सिमिलैरिटी ये है।
इसका मतलब ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं OPQ और ABC, दे आर सिमिलर ट्रायंगल्स. कैसे ट्रायंगल्स हैं बच्चों? तो ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं. तो ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, तो आप लोगों को याद होगा क्लास टेंथ में पढ़ाया जाता है सिमिलर ट्रायंगल्स. तो सिमिलर ट्रायंगल, जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो आपको शायद याद आ जाए कि सिमिलर ट्रायंगल में दो साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं. डू यू रिमेम्बर? याद आ पा रहा है? यस सर, यस सर. ठीक है, तो पहले इतना नोट करिए, मैं आगे बताता हूँ, बट प्लीज यहाँ तक नोट. तीनों ही होता है ना सर इक्वल, मतलब AB OP AB OQ AC. किसी भी दो साइड का रेशियो ले सकते हो. हाँ, तीनों में सिमिलैरिटी आएगी, आप किसी भी दो साइड के रेशियो को इक्वेट कर सकते हो. सर ये नोट कर लिया. ठीक है, तो देखिए ये बिकॉज दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो हमें मालूम है सिमिलर ट्रायंगल हैज दिस प्रॉपर्टी कि आपके किसी भी दो साइड का रेशियो ऑफ वन ट्रायंगल विल बी इक्वल टू द दो साइड का रेशियो ऑफ द अदर ट्रायंगल. तो मैं यहाँ पर वो साइड्स ले रहा हूँ जिससे अपना कुछ फायदा हो. तो देखो मैग्नीट्यूड वाइज, अच्छा जब भी आप दो ट्रायंगल की बात करेंगे तो यू विल बी टेकिंग द रेशियो ऑफ द लेंथ, राइट? तो यहाँ पर मैं देखो, यहाँ पर मैं दो साइड कौन कौन सी ले रहा हूँ. अच्छा, इसको मैं डेल्टा एस कहूँ तो ये भी डेल्टा एस कह सकता हूँ. मैंने बोला था लेंथ ऑफ द आर्क विल बी सेम एज द डिस्टेंस फ्रॉम पी टू क्यू फ्रॉम एज ए स्ट्रेट लाइन. मतलब जो आर्क की लेंथ है डेल्टा एस, दैट विल बी सेम एज द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन ड्रॉन बिटवीन पी एंड क्यू. क्यों? क्योंकि मैंने आपसे बोला कि डेल्टा आपका जो डेल्टा थीटा है वो बहुत स्मॉल है, एंड बिकॉज दिस एंगल विच इज बीइंग सबटेंडेड एट द सेंटर इट इज वेरी वेरी स्मॉल. तो इसीलिए जो आपके लेंथ ऑफ द आर्क है दैट विल आल्सो बी अ स्मॉल, एंड बिकॉज़ इट इज सो स्मॉल दैट दिस लेंथ, दिस आर्क लेंथ एंड द स्ट्रेट लाइन लेंथ कैन बी कंसीडर्ड एज टू बी सेम. क्योंकि अगर आप किसी भी सर्कल पे कोई भी एक छोटा सा पोर्शन अगर कंसीडर कर लो, बहुत छोटा सा पोर्शन, तो दैट कैन बी ट्रीटेड एज अ स्ट्रेट लाइन. तो वही काम यहां पर भी हमने करा है. अब दूसरी बात देखिए, ये डेल्टा एस, तो यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं इस ट्रायंगल में मैं रेशियो किसका ले रहा हूं, ध्यान से देखना. मैंने लिखा डेल्टा एस डिवाइडेड बाय आर, दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी. लिख सकता हूं क्या? प्लीज ध्यान से देखो, इस साइड और इस साइड का रेशियो, यहां पर मैं इस साइड और इस साइड के रेशियो के बराबर लिख सकता हूं भाई. किसी भी दो साइड के रेशियो को आप इक्वल लिख सकते हैं ना. तो समझ नहीं आया. समझना ही नहीं था. सिमिलर ट्रायंगल सुना है कभी आप लोगों ने? पहले ये बताइए क्या सुना है सिमिलर ट्रायंगल्स में. अगर मान लो ये दो ट्रायंगल, मेरी बात सुनिएगा, अगर ये दो ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये साइड की लेंथ है. दूसरा ट्रायंगल है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है. तो क्या होता है, कैसे लिखते हैं हम रेशियो साइड का, क्या खास होता है इन दो सिमिलर ट्रायंगल्स में? ए बाय एक्स इज इक्वल टू बी बाय वाई इज इक्वल टू सी बाय जेड.
तो a बाई एक्स इज इक्वल टू बी वाई वाई लिख सकते हैं ना, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता अगर चाहूं तो, a बाई बी इज इक्वल टू एक्स बाई वाई, ऐसे लिख दूं कोई तकलीफ नहीं सर? नहीं सर, यहाँ पर दो ट्रायंगल जो आपने कंसीडर किया वो दो ट्रायंगल क्या है, यहाँ पर जो कंसीडर किया दो ट्रायंगल, एक है ओ एक है आर, मतलब ये आर है ये आर है और इसको मैंने नाम दिया डेल्टा एच, बोलो हाँ या ना? यस सर। और दूसरा वाला जो ट्रायंगल है उसको हमने क्या कहा, ये भी वी है ये भी वी है और ये है डेल्टा वी। तो आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि इस और इस साइड का रेशियो, जैसे यहाँ पर लिखा मैंने, आपके वो लिखने का तरीका है कि a बाई एक्स लिखें ये आपका तरीका है, या इसी को आप a बाई बी इज इक्वल टू एक्स बाई वाई लिखें, दोनों बातें सही हैं। ये जरूरी नहीं कि हम ऐसे ही लिखें, हम ऐसे लिख दें तो बात गलत थोड़ी हो जाएगी है भाई बच्चों? सेम है, हाँ सर सेम ही बात हुई। तो डेल्टा एस बाई आर इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी लिख सकते हैं, इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि आपके हिसाब से कहूं मैं तो आपके हिसाब से मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ डेल्टा एस बाई डेल्टा वी इज इक्वल टू आर बाई वी लिख सकता हूँ या नहीं? हाँ सर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये वही तो लिखा है, देखिए ना ध्यान से, ये समझ में आए तभी आगे बढ़ेंगे, समझ गए ये? Yes, भाई दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो तो किसी भी दो साइड का रेशियो हम इक्वेट कर सकते हैं, या तो आप इसको डेल्टा एस बाई डेल्टा वी इज इक्वल टू आर बाई वी लिखिए, या आप इसको डेल्टा एस बाई आर इज इक्वल टू डेल्टा बाई वी वी बाई वी लिखिए, दोनों का एक ही मतलब, ठीक है? अच्छा वी से वी कैंसिल मत कर दीजिएगा क्योंकि डेल्टा वी रिप्रेजेंट्स चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और वी क्या है, वी इज द वेलोसिटी एट अ पॉइंट, हमने सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड्स को लिखा है। अब जो ये इक्वेशन आई है डिवाइड बोथ साइड्स बाई डेल्टा टी, दोनों साइड पे आप क्या करिए डेल्टा टी से डिवाइड कर दीजिए, मतलब इसको भी डेल्टा एस डिवाइडेड बाई डेल्टा टी कर लीजिए, इसको भी डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी कर लीजिए। यहां तक समझ में आया? ये हम दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड कर रहे हैं। आप ये कह सकते हो कि वाई आर यू ट्राइंग टू डिवाइड इट बाई डेल्टा टी, बिकॉज अल्टीमेटली वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। ये स्टेप क्लियर है? यस सर क्लियर है। मुझे एक बात बताइए आप लोग कि डेल्टा एस बाई डेल्टा टी को, मतलब डेल्टा एस इज दिस लेंथ फ्रॉम पी टू क्यू का लेंथ है, और पी से क्यू के लेंथ को कवर करने में जो टाइम लगा है, अगर उस लेंथ को मैं टाइम से डिवाइड कर दूं तो क्या मैं इसको वी कह सकता हूं या नहीं? हाँ सर, आप ही लोगों को समझना है सर। तो इसको मैं वी कह सकता हूं, और ये डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, डेल्टा वी इज द चेंज इन वेलोसिटी और डेल्टा टी इज द टाइम, तो इसको क्या कह सकते हैं? ए बाई वी। ए बाई वी, बहुत बढ़िया। डेल्टा वी बाई टी को हम कह सकते हैं एक्सलरेशन, एंड दिस विल बी वी। तो इसका मतलब यहां से हम लिख सकते हैं एक्सलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, यही जो एक्सलरेशन है दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन। इसी एक्सलरेशन का क्या नाम है? इसी एक्सलरेशन का नाम है सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन। सर लेकिन ये समझ नहीं आया कि ये रिप्रेजेंट क्यों कर रहा है सेंट्रीपिटल, मतलब और वो वाला टेंजेंशियल वाला क्यों नहीं कर रहा था? मुझे तुम्हारा क्वेश्चन नहीं समझ में आया, फिर से बोलो। डायरेक्शन किधर होगी? क्या कह रहे हो? वाला एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो होगी वो टुवर्ड्स द सेंटर होगी ना? जी जी हाँ सर। तो ये जो हमने कैलकुलेशन किया है इसमें सर हमने वो रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे होगा, एक बार आप ड्रॉ करके दिखा दो। क्या बोलना चाह रहे हो दोस्त? तुम्हारी तो एक तो आवाज ब्रेक हो रही है, फिर से बोलो। एक मिनट सर मैं स्विच करता हूँ वाईफाई। एक मिनट हाँ सर अब आ रही है। अब बताइए फिर से क्या कह रहे हैं आप? हाँ सर मैं कह रहा हूँ जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है उसकी पॉइंट P और Q पे अलग अलग वैल्यू होगी। पहले नोट कर लो ऋषिक, नोट कर लो, मैं समझा दूंगा। नोट कर लो, कर लिया नोट? सर नोट कर लिया। कर लिया है तो सुनिए एक और छोटा सा पॉइंट सुन लीजिए, उसके बाद आपको सेंट्रिपिटल का मतलब समझा दूंगा क्या होता है।
दूसरा पॉइंट कि इस ए को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वी को हम लोगों ने लास्ट डे लिखा था कि वी इज इक्वल टू ओमेगा। सर कैसे सर? है? क्या सर? सर आप कुछ बोल रहे थे सर, ए को आप कैसे लिख सकते? अरे एक और कैसे लिख सकते हैं वो सिखा रहा हूँ। वी की जगह हम ओमेगा आर रख सकते हैं। ओके सर, यस सर। ओमेगा आर का स्क्वायर लिख लीजिए, डिवाइडेड बाय इसको आर लिख दीजिए। वी इज इक्वल टू ओमेगा आर लास्ट डे सिखाया था। यस सर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। इस आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर। यू कैन इवन राइट दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ either in terms of angular velocity or you can write it in terms of linear velocity. तो ये formula भी note करें, फिर उसके बाद रिशिक साहब क्या कहना चाह रहे हैं उसको समझते हैं। लिख लिया ये formula आप लोगों ने? अब ध्यान से सुनिए। अब ऋषिक जहां तक मैं तुम्हारी बात समझ पाया हूँ, तुम ये कहना चाह रहे हो कि भाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर लगता है, यही कहना चाह रहे हो? हाँ सर। देखिए सीधी सी बात है, सेंट्रीपिटल इसका नाम क्यों है? सेंट्रीपिटल जो इसका नाम आया वो सेंटर से आया है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मतलब होता है ऐसा एक्सेलरेशन विच एक्ट टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। मतलब कोई भी ऐसा एक्सेलरेशन, जब भी आपका पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो वेदर द पार्टिकल इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दोनों केस में उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी। इसका दूसरा मतलब है कि अल्टीमेटली वेलोसिटी चेंज होगी, और बिकॉज वेलोसिटी चेंज हो रही है तो ड्यू टू दिस चेंज ऑफ वेलोसिटी देयर विल ऑलवेज बी एन एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर एंड दैट्स एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या मतलब है इसका? मतलब है कि यहाँ पर जब आप हैं तो यहाँ पर सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन लगेगा, यहाँ पर हैं तो यहाँ पर भी लगेगा। मतलब किसी भी पॉइंट पे आप हों, हर पॉइंट पे आप पे एक एक्सेलरेशन या आपका एक एक्सेलरेशन होगा, और वो किधर होगा? तो हर पॉइंट पे आपका जो ये एक्सेलरेशन होगा वो सेंटर की तरफ होगा। किधर होगा? सेंटर की तरफ होगा। समझ में आ गई बात? Yes, अब ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपने लिखा है वो लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय v का वेक्टर नहीं लिखा है आपने, आपने लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। क्यों सर? मैग्नीट्यूड कहाँ, कैसे पता आपको मैग्नीट्यूड है? क्योंकि मैंने लिखा था v1 का वेक्टर इज इक्वल टू v2 का वेक्टर का मैग्नीट्यूड वाज इक्वल टू, मैंने बोला था ना ये मैग्नीट्यूड वाइज दीज टू वेलोसिटीज आर इक्वल बट डायरेक्शन वाइज दे आर नॉट इक्वल। द मैग्नीट्यूड ऑफ v1 मैग्नीट्यूड ऑफ v2 ये दोनों इक्वल है एक दूसरे के और वो v के बराबर है। और ये एक्सेलरेशन कितना आया? वी स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ पर जो वी है दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेलोसिटी, समझे? एंड बिकॉज आपका अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, और अगर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एट एवरी पॉइंट ऑफ दिस सर्कुलर पाथ विल रिमेन सेम इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सर नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा वो आगे सीखेंगे अभी। अब बताओ ऋषिक, अब तुम्हारा क्या और क्या इशू था? हाँ सर बस यही था सर। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म है इट मींस कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट हैज टू बी सेम। तो अगर मैग्नीट्यूड अगर सेम है वेलोसिटी का तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हर पॉइंट पे सेम होगा। अगर मैग्नीट्यूड चेंज होने लग जाए तो फिर ऑब्वियसली बात है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी चेंज होने लग जाएगा, बिकॉज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एज वेल एज ऑन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। अब इसी में एक और चीज समझते हैं कि अगर यही सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म में तो बस एक ही एक्सेलरेशन होगा जिसका नाम है सेंट्रीपिटल। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है? तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आप लोगों को पता है, पिछली बार भी हमने बात किया था कि इन द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी चेंज होगा और डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इन द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी चेंज होता है। मतलब देयर इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। यूनिफॉर्म में सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुआ तो देयर इज ओनली द चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर बट देयर इज नो चेंज इन इट्स स्पीड। बट यहां पर क्या होगा? यहां पर उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज करेगा। तो मैग्नीट्यूड भी चेंज करेगा तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दो एक्सेलरेशन आते हैं,
एक तो चेंज ऑफ डायरेक्शन की वजह से तो सेंट्रीपिटल रहेगा ही रहेगा। वैसे भी इस बात को समझ लो कि जब भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होना ही होना है। क्यों होना है वो अब थोड़ी देर बाद हम समझेंगे जब डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। अभी फिलहाल एक बात याद रखिए कि व्हेनेवर द पार्टिकल इज गोइंग ऑन द सर्कुलर पाथ और इट्स मोशन इज सर्कुलर मोशन तो इट विल ऑलवेज हैव अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर उसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी चेंज होने लग जाए तो अलॉन्ग विद दैट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इट विल हैव वन मोर एक्सेलरेशन अलॉन्ग द टेंजेंशियल डायरेक्शन और उस एक्सेलरेशन को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं। अब फिर आप ये क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो कि सर ये क्या बकवास है, ये कहां से आ गया। तो एक बात मैं आपको बताऊं कि इसका जो एक्चुअल डेरिवेशन है वो आपके 11th में रहता नहीं। एक्चुअल जो डेरिवेशन है ना वो फॉर्मेट आपको 11th की क्लास में एज अ सिलेबस है ही नहीं, तो इसीलिए इसके एक्चुअल डेरिवेशन को आपको कराया नहीं जाता है। इसलिए आपको सिंपली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बता के, ठीक है, सिंपली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बता के क्या बताया जाता है, सिंपली ये बता दिया जाता है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपको वहां पर कंसीडर करना है जहां पर आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रहा हो। तो बिकॉज अभी तो एक बात अच्छी है कि सर अभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स हो रहे हैं तो इसलिए भी डेरिवेशन की तो वैसे भी जरूरत नहीं थी, और दूसरी बात ये सिलेबस में भी नहीं है टेंजेंशियल को ड्राइव करने का तरीका। तो इसलिए आप सिंपली इस बात को याद रखेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वी विल हैव टू एक्सेलरेशन, वन इज सेंट्रीपिटल एंड अनदर वन विल बी टेंजेंशियल। तो कैसे होएगा सर, सेंट्रीपिटल का मतलब हमेशा वो एक्सेलरेशन जो सेंटर की तरफ हो, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कौन सा होगा, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मतलब जो टेंजेंशियल डायरेक्शन हो, मतलब अगर इस पॉइंट पे है पार्टिकल तो ये टेंजेंशियल टेंजेंट ड्रॉ कर दो तो इधर आ जाएगा, अगर इस पॉइंट पे होगा तो टेंजेंट इधर हो जाएगा, है ना। समझ पा रहे हो, प्लीज एक बार हाँ ना बोल दीजिए आप लोग। सर जो यूनिफॉर्म होगा उसमें टेंजेंशियल जीरो होगा ना मैग्नीट्यूड वाइज, तो इसलिए हाँ यूनिफॉर्म में टेंजेंशियल होएगा ही क्योंकि मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, टेंजेंशियल आता है ड्यू टू द चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड, इसलिए इसको हम dv बाई dt भी लिखते हैं। और सेंट्रीपिटल जो होता है वो होता है v स्क्वायर बाई r, ठीक है। यस सर, मतलब मैग्नीट्यूड चेंज होगा तब टेंजेंशियल आएगा, तो टेंजेंशियल को सिंपली dv बाई dt की तरह भी ट्रीट कर सकते हो, या फिर टेंजेंशियल को आप ऐसे भी लिख सकते हो at इज इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाइड बाई r, जो लास्ट डे भी बताया था, लास्ट डे बताया था ना रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये जो रिलेशन आया था एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन का, वो अल्फा आर आया था, और वहां पर भी मैंने बोला था कि अल्फा आर रिप्रेजेंट्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्योंकि अल्फा तभी होगा जब ओमेगा चेंज होगा, और ओमेगा चेंज हो रहा है इसका मतलब वी की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी द नेट एक्सेलरेशन एट एनी पॉइंट इन द नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये नेट एक्सेलरेशन है। तो ये नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, तो ए नेट की वैल्यू होगी हमेशा अंडर रूट ऑफ ए सी का स्क्वायर दैट इज सेंट्रीपिटल का स्क्वायर प्लस ऑफ ए टी का स्क्वायर। तो ए नेट को हम लिख सकते हैं आइदर वी स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर प्लस ऑफ अल्फा आर या डी वी बाई डी टी, जैसे भी लिख लो, तो दिस विल बी कॉल्ड एज नेट एक्सेलरेशन, ये नेट एक्सेलरेशन होता है नॉन यूनिफॉर्म। समझ गए? यस सर। इसे नोट करें प्लीज। नोट कर लिया बच्चों? यस सर।
अब चलो कुछ कुछ क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ छोटे छोटे, जिससे आपको कुछ कुछ टर्म्स भी सीखने को मिलेगा, क्योंकि वो सारी चीजों को डिफाइन करना जरूरी नहीं था, और डिफाइन करने से बेहतर है कि उसको न्यूमेरिकल के फॉर्म में सीखा जाए तो ज्यादा मजा आएगा। तो देखिए पहला एक छोटा सा क्वेश्चन, इसमें सिर्फ मुझे मेरा इंटेंशन है कि कुछ चीजें जो टर्म्स कुछ कुछ यूज हो जाते हैं वो आपको समझ में आ जाए, वो आपको पता चल जाए। तो देखिए पहला, कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड ऑफ व्हील, कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड ऑफ व्हील, व्हील चक्का, कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड ऑफ व्हील मेकिंग 240 रिवोल्यूशंस पर मिनट, कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड ऑफ द व्हील मेकिंग 240 रिवोल्यूशंस पर मिनट, कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड ऑफ अ व्हील मेकिंग 240 रिवोल्यूशंस पर मिनट। लिख लिया बच्चों? 8 पाई रेडियंस पर सेकंड। कितना बोल रहे हो? 8 पाई रेडियंस पर सेकंड। 8 पाई रेडियंस पर सेकंड, अच्छा नहीं तो ले देखते हैं सारे बच्चे इस बात को पहले समझें। एंगुलर स्पीड निकालना है, हम एंगुलर स्पीड का एक फॉर्मूला, तो एक रिलेशन हमें अगर याद आए तो एक रिलेशन हमने ये पढ़ा था कि v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है। पहले समझिएगा, चीजों को समझिए, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, बट अगर हम यहां से ओमेगा निकालना चाहते हैं तो v बाय आर चाहिए, ना तो हमें v गिवन है ना तो r गिवन, मतलब इस क्वेश्चन में Neither we have the value of v nor we have the value of r, तो कुछ भी given नहीं है, तो यहाँ से omega तो निकलेगा नहीं। इसका मतलब हमसे ये पूछना क्या चाह रहा है, इस बात को समझाते हैं। हमसे कहता है 2 revolutions per minute कर रहा है, मतलब एक मिनट में 240 बार रिवॉल्व कर रहा है। तो अब यहां पर मैं कुछ कुछ टर्म्स सिखा रहा हूं, वो समझिए। एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं टाइम पीरियड, टाइम पीरियड आपको मालूम है, टाइम टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, ये वन कंप्लीट मोशन इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड, वो तो सब जानते होंगे। टाइम पीरियड तो सब जानते होंगे ना, कि टाइम पीरियड का मतलब होता है कि द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन कंप्लीट मोशन, मतलब अगर सर्कुलर मोशन पे आप घूम रहे हैं, सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हैं, तो आपको हर बार यहां से यहां आने में, इफ यू आर गोइंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, तो हर बार यहां से यहां आने में जो टाइम लगेगा वो सेम लगेगा, और उस टाइम को हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो टाइम पीरियड को ये कुछ कुछ टर्म्स पहले सीख लो। टाइम पीरियड को हम कह सकते हैं टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का मतलब, टाइम पीरियड को हम रिप्रेजेंट करते हैं जनरली टी से, टाइम पीरियड का मतलब हो गया टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन या एक चक्कर करने में जो पूरा टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। अब इसमें दूसरी बात समझते हैं, ये तो हो गया टाइम पीरियड का मतलब, ठीक है। अब टाइम पीरियड के बाद दूसरी बात पे आते हैं। दूसरी बात क्या सर? एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इसको एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं या इस साइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको न्यू पढ़ते हैं किताबों में, और थोड़ा सा स्टाइलिश जैसा होता है या ऐसा बनता है, इसको न्यू पढ़ते हैं, तो एफ से रिप्रेजेंट करो या न्यू से करो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हम लिखते हैं वन अपॉन टाइम पीरियड, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ साइकिल्स प्रोड्यूस्ड, या साइकिल वर्ड अगर नहीं समझ में आए तो रिवोल्यूशन प्रोड्यूस्ड इन वन सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में कितना बार चक्कर लगाया, एक सेकेंड में आपने कितना बार चक्कर लगाया उस सर्कुलर पाथ पे, उसको हम उसका फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होता है? वन अपॉन टाइम पीरियड के बराबर। क्लियर? अगर मान लो कि मैं आपसे कहूं कि इफ टाइम पीरियड इज टी, टाइम पीरियड इज टी, ध्यान से सुनना, इफ टाइम पीरियड है टी, तो इन वन रिवोल्यूशन, इन वन रिवोल्यूशन, वन रिवोल्यूशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? एंगुलर डिस्प्लेस पूरे सर्कल पे अगर हम घूम रहे हैं तो अनडाउटेडली दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई। वेरी गुड। तो इसका मतलब है कि इसमें मैं ये ओमेगा विच इज एंगुलर वेलोसिटी उसको मैं लिख सकता हूँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम, तो इसको मैं 2 पाई बाई टी लिख सकता हूँ। यानी डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। तो ओमेगा को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो वन अपॉन टी को मैंने एफ कहा है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 पाई एफ, ये रिलेशन है, या तो इसको ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, ये रिलेशन, ठीक है। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी एक ही बात है, और यहां पर एफ इज लीनियर फ्रीक्वेंसी, एफ को हम कहते हैं लीनियर फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा और एफ के बीच में ये रिलेशन है। इसकी यूनिट रेडियन पर सेकेंड होती है,
और लीनियर फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो हर्ट्ज होती है। ठीक है, यहां तक बात सबको समझ में आई? पहले एक बार हाँ ना बोल दीजिए। अगर यहां तक समझ में आ गया होगा तब मैं ये सवाल सॉल्व करता हूं। देखो सवाल में आपसे क्या कहता है, एक मिनट में मतलब 60 सेकेंड्स में द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड इज 240 है शायद, 240 रिवोल्यूशन, राइट? यही है ना बेटा? यस सर। तो एक सेकंड में कितना हुआ? एक सेकंड में हो गया 240 डिवाइडेड बाय 60, इसका मतलब कितना आ गया? इसका मतलब ये आ गया 4। ठीक है, और यही तो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी यही तो हो गया ना 4। नहीं आया भाई, आपने यही तो बोला कि एक सेकंड में जितना रिवोल्यूशन होगा उसी को तो फ्रीक्वेंसी कहेंगे। क्या हो गया बच्चों? एक सेकंड में जितना रिवोल्यूशन होगा उसी को तो फ्रीक्वेंसी कहेंगे ना। तो एक सेकंड में चार रिवोल्यूशन हो गया तो फ्रीक्वेंसी 4 हो गई। हमें एंगुलर वैल्यू पूछा था तो ओमेगा को मैं यही फॉर्मूला यूज कर लूं, 2πf, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई इंटू 4 मतलब 8π रेडियन पर सेकेंड, ये आ गई एंगुलर वेलोसिटी। देख लीजिए भाई, सब कुछ नोट करिएगा इसमें जो भी लिखा है। सर यही बोला था मैंने। अच्छा, वेरी गुड। सब नोट कर लें तो प्लीज इन्फॉर्म करें मुझे। हो गया? यस सर। बोल क्यों नहीं रहते आप लोग? चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अ पार्टिकल रिवॉल्व्स, राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अ पार्टिकल रिवॉल्व्स इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 0.40 meter। making 1000 revolution per minute. लिख लिया बच्चों? A particle revolves in a circle of diameter 0.40 meter, making 1000 revolution per minute. 1000 revolution per minute लिख लिया। Find its linear velocity and centripetal acceleration. Find its linear velocity and centripetal acceleration. Question सबने लिख लिया? Please एक बार हाँ ना बोले। तो क्या फाइंड करना है? लीनियर वेलोसिटी एंड इट्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सर फाइंड इट्स लीनियर करना है। 0.40 मीटर इज द डायमीटर। पहले ही बोला गया कि अ पार्टिकल रिवॉल्व्स ऑन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 0.40 मीटर।
ऑफ डायमीटर 0.40 मीटर. मतलब फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, अ पार्टिकल रिवॉल्व्स ऑन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 0.40 मीटर. लिख लिया? मेकिंग 100 रिवोल्यूशन पर मिनट. मेकिंग 100 रिवोल्यूशन पर मिनट. फाइंड इट्स लीनियर वेलोसिटी एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. फाइंड इट्स लीनियर वेलोसिटी एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. सर पाए को खोल के पूरा करें या फ्रैक्शन में ही छोड़ दें विद पाए? पाए के फॉर्म में ही छोड़ दो. अभी पाए के फॉर्म में ही छोड़ दो. हमें तो सिर्फ मेथड सीखना है अभी. तो यू कैन लीव इट इन टर्म्स ऑफ पाए. अच्छा सर, हो गया सर. हो गया? हाँ सर. चलिए भाई, इस क्वेश्चन में सिंपली आपसे क्या कह रहा है, तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा लास्ट वाला क्वेश्चन था कि आपसे कह रहा है 100 रिवोल्यूशन पर मिनट है. तो अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो फ्रीक्वेंसी में हम 100 रिवोल्यूशन को 60 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5/3, क्योंकि ये 10/6 है, तो ये इट विल बिकम 5/3 हर्ट्ज. ठीक है, या पर सेकेंड भी कह सकते हो इसकी दूसरी यूनिट. तो ओमेगा को हमें लिखना है, तो ओमेगा कैन बी रिटन एज इक्वल टू 2πf. तो 2π मल्टीप्लाइड बाई 5/3, तो दिस विल बी इक्वल टू 10π/3. ठीक है, रेडियन पर सेकेंड. दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा. तो v की वैल्यू पूछा है, v की वैल्यू को आप लिख सकते हो ओमेगा r. तो v को आप लिख सकते हैं ओमेगा की वैल्यू कितनी, 10π/3 इनटू r. r आपको लिखना होगा 0.40 डिवाइडेड बाय 2. व्हाई आर यू डूइंग दिस? बिकॉज आपको ये जो गिवन है, दिस इज व्हाट दे हैव गिवन यू इज डायमीटर. सर रेडियस के लिए तो आप इसको, हाँ सर, 1000 गिवन है आपके, हम आपने 100 लिया है. 1000 दिया? हाँ सर. यस सर, आपने 1000 दिया, बट उसके बाद आपने 100 बोल दिया सर. चलो कोई नहीं, 1000 लेके मेथड समझ रहे हो ना? यस सर. मेथड तो पढ़ ले पड़ रहा है. 1000 है तो बेटा उसको आप 1000 कर लीजिएगा, और चूंकि मुझे 100 याद रहा तो मैंने 100 कर दिया है. तो मेथड आप देख लीजिए, ठीक है. और उसके बाद सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, और ओमेगा की वैल्यू आपको पता है, ओमेगा की वैल्यू 10π/3 स्क्वायर इनटू आर. आर फिर से आप लिखेंगे 0.40 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, कोई तकलीफ? आसान सा सवाल है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? आगे बढ़े. नो सर. ठीक है, एक और सवाल कर लो, फिर एक दो और मैं अपनी तरफ से करवाऊंगा. अभी तो मैं टर्म्स सिखाने के लिए ये क्वेश्चंस करा रहा हूं. एक और क्वेश्चन लिखिए. The radius of the Earth's orbit around the sun. या मैं लिख देता हूं ताकि मैं डेटा गलत ना ले लूं. The radius of Earth's orbit. Earth's orbit का मतलब वो orbit जिसमें Earth घूम रहा है. The radius of Earth's orbit around the sun. Around the sun. जिस orbit में Earth घूम रहा है उस orbit का जो radius है is 1.5 into 10 to the power 11 meter. आपको क्या कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट द एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ, वेलोसिटी ऑफ अर्थ एंड ऑल्सो find the angle through which Earth will revolve in 2 days. करिए सर.
सर जी सर हम डेज में ही निकाल लें एंगुलर लीनियर या पूरा आवर्स में या फिर उसमें निकाल लें सेकंड्स में। इसमें रेडियन जो उसकी यूनिट होती है उसमें निकालना है आपको, और अच्छा एसआई यूनिट जो अच्छा होती है एंगुलर वेलोसिटी की वो रेडियन पर सेकंड होती है, इसलिए रेडियन पर सेकंड में ही आप निकालेंगे। ओके चलिए सर मिलके कर लेते हैं, मैं भी बताता हूँ। पहली बात तो ये कि रेडियस आपको गिवन है, द रेडियस ऑफ दिस इज 1.5 इनटू 10 टू द पावर 11 मीटर ऑफ द ऑर्बिट इन विच द अर्थ इज रिवॉल्व। ये पहला पॉइंट तो आप लोगों को गिवन है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको टाइम जो गिवन है दैट इज अच्छा, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी गंदी सी हो रही होगी, तो टाइम विल बी 365 डेज। आप 365 डेज लीजिए, एक साल लगेगा अर्थ को रिवॉल्व करने में, पूरा चक्कर लगाने में इन इट्स ऑर्बिट। ड्यूटी के डेज 365 डेज, तो 365 मल्टीप्लाइड बाय कितना कर देंगे आप, 24 मल्टीप्लाइड बाय 60 इंटू 60 मिनट इंटू सेकेंड्स। ठीक है, तो ओमेगा विल बी इक्वल टू व्हाट, ओमेगा विल बी इक्वल टू 2π/T, बिकॉज अर्थ घूम रहा है तो पूरा जो एंगल वो सबटेंड करेगा दैट विल अनडाउटेडली बी इक्वल टू 2π। तो 2 × 3.14 डिवाइडेड बाय व्हाट, तो डिवाइडेड बाय 365 मल्टीप्लाइड बाय 24 × 3600, 60 × 60 तो 3600 ही होता है। You can write it as 3600. इसको सॉल्व वॉल्व करके देखोगे, यू कैन यूज योर कैलकुलेटर फॉर दिस काइंड ऑफ कैलकुलेशन। दूसरा ये कि v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा आर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करके देखो तो कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 6.28। ठीक है, डिवाइडेड बाई 3365 × 24 × 3600। आई एम यूजिंग माई कैलकुलेटर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, देखते हैं। सर मैंने मल्टीप्लिकेशन में छोड़ दिया तो वैसे ही चेक कर दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, मेथड चेक ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ मेथड सही है, आप मेथड देख लो, ये तो मैं कैलकुलेशन बस ऐसे ही कर रहा हूँ। 365 × 24 × 3600 ये आ जाता है 3153600, 3153600। अब 6.28 को इससे डिवाइड अगर मैं करूँ तो डिवाइडेड बाई इतना बड़ा फैक्टर 3153600, तो ये जो फैक्टर आएगा वो आ जाएगा आपको सॉल्व करने के बाद, दिस यू विल अप्रोक्सीमेटली गेट एज 2 अप्रोक्स 2 आएगा ये, तो 2 × 10⁻⁷ रेडियन पर सेकेंड अप्रोक्स। ठीक है, तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर। फर्दर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2 × 10⁻⁷ मल्टीप्लाइड बाय 1.5 × 10⁻¹ⁱ, तो ये हो गया 3,
इंटू 10 to the power 4 मीटर पर सेकेंड। द लास्ट वॉज वॉट, कि दो दिन में कितना एंगल सबटेंड करेगा, मतलब अर्थ कितने एंगल से घूम जाएगा इन टू डेज। तो हमें मालूम है 365 डेज में कितना एंगल घूमता है, तो 2π घूमता है, तो एक दिन में कितना घूमेगा, एक दिन में घूमेगा 2π/365, तो दो दिन में कितना घूमेगा, तो इन टू डेज थीटा और द एंगल विल बी इक्वल टू 2π/365 मल्टीप्लाइड 4π/365। ये आ जाएगा सर आपके सारे आंसर। यस सर, यही आ रहा है एग्जैक्टली। बस सर जो लीनियर वेलोसिटी है वो हमने, मैंने फ्रैक्शन में ही सॉल्व किया है, तो मेरी ऐसे वैल्यू नहीं आ रही 3 × 10^4। खैर वो देख लेना, ये नोट करें सर, ये नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। सर ये काफी ज्यादा आ गई वैसे स्पीड, लीनियर काफी ज्यादा है। हाँ सर, हो गया भाई ये। अरे बच्चों नोट कर लेना तो बता देना। ठीक है, एक दो और सवाल करो फिर आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन है मेरा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय थीटा इज इक्वल टू, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं थीटा से, थीटा इज इक्वल टू 2t² + 4। फाइंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू, या फाइंड ऐसे कह लो, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी एट t = 4 सेकेंड। 4 सेकेंड्स पे एंगुलर वेलोसिटी बताओ, जल्दी बताओ। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने इससे पहले मोशन इन वन डायमेंशन में करे थे क्वेश्चंस, बिल्कुल सेम कहानी है ये। So anyone out there, did you get the answer for this? एक मिनट सर। चलो देख लेते हैं भाई। इफ यू हैव टू फाइंड आउट द एंगुलर वेलोसिटी एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, तो अनडाउटेडली आपको मैंने बताया था कि इंस्टेंटेनियस जब भी होगा तो डिफरेंशिएशन होगा, मतलब d थीटा / dt करो,
मतलब डी बाई डी टी ऑफ, अब जिनको डिफरेंशिएशन भूल गए हैं इतनी जल्दी उनके लिए तो नहीं हो पाएगा, उनको तो नहीं हो पाएगा ये। मैंने ये भी बोला था कि इफ यू हैव अ प्लस और माइनस साइन इन बिटवीन द टू टर्म्स, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ टू टी स्क्वायर प्लस ऑफ डी बाई डी टी ऑफ फोर, यही तो लिखेंगे आप। फोर इज अ कॉन्स्टेंट जिसमें कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं है, तो फोर का डिफरेंशिएशन तो सीधा सीधा जीरो हो जाएगा, ये वाला डिफरेंशिएशन तो जीरो। इसमें टू कॉन्स्टेंट है, एज इट इज रहेगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू टी होगा, एंड आई एम नॉट गोइंग टू राइट द फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, ये तो अब नहीं लिखूंगा, ये तो आना चाहिए भाई, पूरी कहानी इस पे सुना चुका हूँ। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई 4t, t की वैल्यू 4, तो ऋषिक का आंसर बिल्कुल सही है, ओमेगा इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 16 रेडियन पर सेकंड, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। हो गया? यस सर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन भाई, अदर देन ऋषिक बाकी बच्चों ने भी नोट कर लिया क्या? देवांश? यस सर। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन, देखता हूँ कितनी अकल खुली। देखो फिर से मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, थीटा का मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और क्वेश्चन ये है कि सर आपका 2t³ प्लस ऑफ 4t² दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा। आपको क्वेश्चन में मैं इस बार क्या पूछ रहा हूँ वो देखें आप, फाइंड नेट एक्सेलरेशन, फाइंड ए नेट एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड्स इफ रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, सर्क्यूलर पाथ इज 2 मीटर। मतलब इस सर्कुलर पाथ का अगर रेडियस 2 मीटर है तो यू हैव टू फाइंड आउट द नेट एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर नेट एक्सेलरेशन क्यों बोला पहले तो इस बात को समझे कि व्हाई दे आर सेइंग टू फाइंड द नेट एक्सेलरेशन इफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज 2 मीटर। अब देखिए सर, पहला पॉइंट तो ये हो गया सर, यहाँ पर नेट एक्सेलरेशन फाइंड करना है हमें, यहाँ पर थीटा इज चेंजिंग, इज वेरिंग विद टाइम, और थीटा डिपेंड्स ऑन टाइम, तो थीटा इज नॉट कॉन्स्टेंट मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नॉट कॉन्स्टेंट। तो यहां पर अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी निकालूं, अब क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाई आर यू ट्राइंग टू फाइंड आउट द एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि आपको एक बात पता है कि भाई अगर मुझे मान लो कि इसमें सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा तो उस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को मैं ओमेगा स्क्वायर आर लिखूंगा, बट फॉर दैट वी नीड टू हैव द वैल्यू ऑफ ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू पता चलेगी तभी तो आर लिखूंगा, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लिखूंगा। तो मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू गेट द वैल्यू ऑफ ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू कैसे पता चलेगी, तो बाई डिफरेंशिएटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा, तो थीटा की वैल्यू को डिफरेंशिएट करिए, मतलब क्या करिए आप, डी थीटा बाई डी टी करिए, डी थीटा बाई डी टी मतलब डी बाई डी टी, डी बाई डी टी ऑफ वॉट, तो दिस ऑफ 2t³ प्लस ऑफ 4t² डिफरेंशिएशन यू नीड टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर 2 कॉन्स्टेंट है, इट विल बी एज इट इज, टी क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t² प्लस यहाँ पर 4 कॉन्स्टेंट है, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, मतलब ओमेगा की अगर आप वैल्यू देखें तो ओमेगा की वैल्यू आ रही है 6t² प्लस ऑफ 8t। कोई मुझे ये बता सकता है कि इज दिस ओमेगा कांस्टेंट और वेरिएबल? वेरिएबल वेरिएबल। तो ओमेगा की वैल्यू पहले तो 2 सेकंड्स पे अगर मैं रख लूं, तो ओमेगा एट 2 सेकंड्स, टी इज इक्वल टू 2 सेकंड्स, तो 2 सेकंड्स पे इस ओमेगा की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 8 इनटू 2, कितना आ रहा है? 40 आ रहा है, तो 40 मीटर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम ओमेगा से लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, तो 40 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो गया, 40 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो गया, तो दिस विल बी इक्वल टू 8, नहीं सॉरी 40 का स्क्वायर होगा ना, ये बड़ी ज्यादा वैल्यू आ जाएगी। एक काम करो, टी को ना 1 कर लो, टी को 1 सेकंड कर लो, मैं छोटी वैल्यू रखना चाहता हूं, टी को 1 सेकंड कर दिया है सर, ठीक है, तो 6 प्लस 8 कितना आ जाएगा, 14, क्योंकि बहुत ज्यादा रिजल्ट आएगा इसका, 14 का स्क्वायर करोगे मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा करोगे, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 256, 14 का स्क्वायर इज 256, नहीं सर 196 होता है, सॉरी 196 होता है, तो 196 मल्टीप्लाइड बाय कितना, 2 करो, यही तो करोगे, तो 2 9 392 आएगा, सही? यस सर।
ये इतना आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज योर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, बहुत ज्यादा आ गया, मगर जो भी है मेथड समझे आप। अब यहां पर हमने बोला कि ये जो ओमेगा है, दिस ओमेगा इज नॉट कॉन्स्टेंट, ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो अगर ओमेगा टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो मतलब ये सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मतलब इसमें अल्फा भी होगा, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन निकालते हैं, तो एंगुलर एक्सेलरेशन अगर हम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, डी ओमेगा बाई डी टी, मतलब फिर से इसको डिफरेंशिएट करो, तो सिक्स एज इट इज टू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू टी, ठीक है, प्लस ऑफ एट, क्योंकि एट कॉन्स्टेंट है एज इट इज रहेगा, टी का डिफरेंशिएशन वन, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ट्वेल्व टी प्लस ऑफ एट, ये अल्फा आ गया। अब अल्फा भी आपको कितने टाइम पे चाहिए, वन सेकेंड पे, तो एट वन सेकेंड अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो अल्फा विल बी इक्वल टू 12 इनटू 1 प्लस ऑफ 8, मतलब कितना हो गया 20। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, अल्फा इनटू आर, दैट इज 20 मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो आपके दो एक्सेलरेशन हो गए, टेंजेंशियल और सेंट्रिपिटल। तो नेट एक्सेलरेशन, अब गंदा सा जो भी रिजल्ट है, नेट एक्सेलरेशन विल बी द स्क्वायर ऑफ सेंट्रिपिटल का स्क्वायर प्लस ऑफ टेंजेंशियल का स्क्वायर, तो इतना का स्क्वायर प्लस ऑफ दिस स्क्वायर, दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ नेट एक्सेलरेशन। समझे? यस सर। इसको नोट कर लें। नोट कर लिया। जैसे मैं कर रहा हूँ जी, जैसे मिनट में नोट कर रहा हूँ। ओके ओके, टेक योर टाइम। हो गया? यस सर। ओके, तो चलिए अब इसके आगे की कहानी सुनिए। ये जो अभी तक हमने करा, दिस वाज ऑल अबाउट काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, नाउ वी आर इन पोजीशन टू स्टार्ट डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। देखो, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में हमने सर्कुलर पैरामीटर्स पे बात किया, बट वी डिडंट कंसीडर द फोर्स व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द सर्कुलर मोशन। डायनेमिक्स के केस में क्या होगा, डायनेमिक्स के केस में वी विल डिस्कस द कॉज ऑफ द सर्कुलर मोशन व्हिच इज द फोर्स, है ना। कॉज की हम बात करेंगे, कॉज की भी बात करेंगे, और उसको हम फोर्स ऑफ कहते हैं। यहां पर जो फोर्स काम करेगा उसको बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। देखिए, आपको एक बात मालूम है, पहले हम सेंट्रीपिटल फोर्स पे बात करेंगे। देखो, टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी अगर एक्सेलरेशन हो तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी फोर्स हो सकता है। वो कई केस में ये भी पॉसिबल है कि भाई एक ही फोर्स दोनों प्रोवाइड कर सकता है आपको, सेंट्रीपिटल भी और टेंजेंशियल भी। तो पहले चीजें समझो, रियल चीजें समझो, डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस जो है आपके, पहले उसके बेसिस पे आप इस बात को पहले समझो जो मैं आपको यहां पर सुना रहा हूं, वो पहले समझो, उसके बाद फिर हम मैथमेटिकली फॉर्मूला वॉर्मूला देखते रहेंगे। देखिए,
जब भी सर्कुलर मोशन होगा तो सेंटर की तरफ हमें सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, ये तो हमें चाहिए, वी नीड सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, वी नीड सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर टू मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ, ये तो बिल्कुल हमें चाहिए। अब आते हैं दूसरी बात पे कि सर हर केस में ये जो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है उसका कॉज अलग अलग होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हमें अगर मान लो कि किसी बॉडी पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाना है टू मेक इट मूव, तो हमें 10 न्यूटन का फोर्स लगाने के लिए या तो मैं फोर्स लगा सकता हूं या तुम लगा सकते हो, तो कॉज या सोर्स फॉर दैट फोर्स अलग अलग होगा। उसी तरह से सेंट्री जब भी सर्कुलर पाथ होगा तो एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और वो जो चाहिए वो उसका कॉज अलग अलग होगा, अलग अलग केसेस में, अलग अलग केसेस में अलग अलग कॉज होगा। ठीक है, देखो पहली बात तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी टू मेक द पार्टिकल मूव ऑन द सर्कुलर पाथ, तो यहां पर बात समझे कि सर्कुलर पाथ पे पार्टिकल को घूमने के लिए व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अगर मान लो पार्टिकल का मास इज एम एंड पार्टिकल इज गोइंग विद अ स्पीड ऑफ बी, आई एम सेइंग स्पीड नॉट द वेलोसिटी, ठीक है, तो यहां पर इस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज वी, तो हमें एक बात मालूम है कि सर हमें सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन होता है जिसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वी नो दैट कि अगर एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब है कि इस डायरेक्शन में फोर्स भी होगा, विदाउट फोर्स यू कैन नॉट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर, करेक्ट है, हां ना बोलो? यस सर, यस सर। तो द फोर्स व्हिच इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दिस एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर, that force will be simply considered as what? So that force will be simply considered as centripetal force. तो हम simple सा कहाँ मतलब है भाई, हमें पता है acceleration towards the center ये चाहिए, तो center की तरफ जो force चाहिए that should be equal to mass into centripetal acceleration. तो इसका मतलब centripetal force को हम simply लिख सकते हैं m into v square by r, where r will be the radius of the circular path. यही formula है centripetal force का। या आप इस सेंट्रीपिटल फोर्स को ऐसे भी लिख सकते हैं m into omega square multiplied by r, ये सिंपल सा फॉर्मूला है, मतलब इतना हमें सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है ये मास ऑफ द पार्टिकल पे भी डिपेंड कर रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है, उसके स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है बेसिकली, और रेडियस पे भी डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब कि रेडियस इंक्रीज कराओगे तो रिक्वायरमेंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स डिक्रीज करेगा, रेडियस डिक्रीज कराओगे तो रिक्वायरमेंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ेगा, स्पीड बढ़ाओगे तो रिक्वायरमेंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ेगा, स्पीड घटाओगे तो रिक्वायरमेंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स कम होगा। अब इस बात को समझने के लिए चीजों को समझो, डेली लाइफ से समझो। आपने देखा होगा व्हेनेवर यू टेक अ सर्कुलर टर्न ऑन अ रोड, तो सर्कुलर टर्न जब आप रोड पे लेते हो, आप गाड़ी चला रहे, सर्कुलर टर्न आपने लिया, तो यहां पर आपका मोशन सर्कुलर है, और सर्कुलर मोशन है इसका मतलब है आप पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा तभी आप सर्कुलर टर्न ले पा रहे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात? बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के सर्कुलर पाथ पे घूमना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यही फोर्स आपके डायरेक्शन को कंटिन्यूअसली चेंज करेगा अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अदरवाइज तो पार्टिकल विल टेंड टू मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अगर आप उसको सर्कुलर पाथ पे मूव करा रहे हो तो यू नीड अ फोर्स विच विल चेंज इट्स डायरेक्शन, इसी को तो हमने इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बोला था अगर आपको याद हो तो। खैर, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी आप सर्कुलर टर्न लेते हो, स्पेशली व्हेन यू आर राइडिंग अ बाइक और साइकिल, तो उस केस में आपने ऑब्जर्व करा होगा कि आप अपनी स्पीड को डिक्रीज कर लेते हो, बोलो हाँ या ना? यस सर, यस सर। यू ऑलवेज डिक्रीज योर स्पीड व्हाइल टेकिंग अ सर्कुलर टर्न ऑन द रोड, क्यों ऐसा करते हैं? तो देखिए, the friction that acts between the tire and the road provides you the necessary centripetal force. और आपको पता है last वाले chapter में आपने पढ़ा है कि friction की एक maximum value होती है beyond which friction अपनी value को increase नहीं कर सकता। तो भाई friction की मान लो कि value है 10 newton, maximum possible value है 10 newton, और आपके centripetal force की requirement हो गई 12 newton, तो you will never be able to take a safe circular turn, समझ रहे हैं? तो आप अपने बॉडी के मास को तो नहीं चेंज कर सकते, आप अपने गाड़ी के मास को तो चेंज नहीं कर सकते, यू कैन नॉट चेंज द मास ऑफ योर व्हीकल, बाइक और साइकिल, ठीक है? तो आप क्या चेंज कर सकते हो? यू कैन चेंज आइदर द स्पीड और यू कैन चेंज द रेडियस, दोनों में से किसी को चेंज कर सकते हो, ठीक है? अगर मतलब सड़क पे ज्यादा स्पेस नहीं है तो रेडियस भी ऑलमोस्ट कई बार फिक्स हो जाती है हमारे नॉर्मल जब हम ड्राइविंग करते हैं। Yes, और बहुत सारी गाड़ियां चल रही होती है तो ऐसा थोड़ी है कि हम एकदम सर्कुलर टर्न पे अचानक एक एंड से दूसरे एंड पे चले जाएंगे तब सर्कुलर टर्न लेंगे, ये तो पॉसिबल नहीं होता।
तो जनरली हम क्या करेंगे, अपनी स्पीड को कम करेंगे ताकि रिक्वायरमेंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स खुद क्या हो जाए, कम हो जाए, और इतना कम हो जाए ताकि वो फ्रिक्शन उतना हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सके और हम सेफ सर्कुलर टर्न ले पाए। ठीक है, हम क्या ले पाए, सेफ सर्कुलर टर्न ले पाए। समझ में आई बात सर? अगर आपने प्रोवाइड करता है सर, प्रोवाइड क्या करता है, प्रोवाइड कैसे करता है, क्या मतलब सर? मतलब फ्रिक्शन तो नीचे लग रहा है ना सर, तो मतलब सर्कुलर टर्न में कैसे हेल्प कर रहा है? फ्रिक्शन नीचे टायर पे लग रहा है, कहाँ लग रहा है ऋषिक भाई? टायर पे। टायर पे, अभी यहां देखिए जरा सा वीडियो ऑन करके बताता हूं। फ्रिक्शन लग रहा है टायर पे, टायर, और ये रोड है और ये ऐसे घूमना है ऐसे, तो ये अगर फ्रिक्शन इसको ऐसे घुमाना चाहता है तो ऐसे घुमाने के लिए फ्रिक्शन किधर लगेगा? उस टायर पे लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर। क्यों? क्योंकि अगर फ्रिक्शन ऐसे नहीं लगेगा तो आप क्या करेंगे, आप बाहर की तरफ स्किड कर जाएंगे। आपकी टेंडेंसी किधर है? आप जब सर्कुलर टर्न में, जब कई बार देखा होगा आपने एक्सीडेंट होता है तो बॉडी या गाड़ी स्किड करती है अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर के अपोजिट साइड में स्किड करती है। yes, तो फ्रिक्शन को ये पता है कि आपको अगर वो उसने सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं प्रोवाइड किया तो देर विल बी अ रिलेटिव मोशन इन दिस डायरेक्शन, अपोजिट टू द सेंटर देर विल बी अ रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन को फ्रिक्शन अपोज करना चाहेगा, तो अपोज करने के लिए फ्रिक्शन किधर लगेगा? आप अगर आपके स्पीड की टेंडेंसी राइट की तरफ है तो फ्रिक्शन लेफ्ट की तरफ लगेगा ना भाई, और जो सेंटर है, सेंटर है वो लेफ्ट की तरफ है अगर आप ऐसे घूम रहे हैं तो। नहीं पल्ले पड़ा क्या बोला? नहीं सर। तुम्हें क्या दिक्कत हुई ये बताओ। फ्रिक्शन कैसे मतलब सेंटर की तरफ टुवर्ड्स लगा रहा है? कैसे मतलब का, क्या मतलब, कैसे मतलब क्या सर? मतलब जैसे हम रोड पे चलाते हैं तो मतलब अगर सर मोड़ रहे हैं तो कुछ एंगल पे लग रहा होगा ना, डायगोनली, या मतलब टुवर्ड्स सेंटर एग्जैक्ट कैसे लग रहा है? वही तो समझा रहा था यार, तुम अजीब आदमी हो। तुम बाइक को मत सोचो, बाइक वाइक को हम बेंड भी करते हैं तो वो बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट और बेंडिंग ऑफ बाइक वो भी एक चीज है, वो अलग है। आप इस बात को ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये आपकी कोई गाड़ी है, ये गाड़ी है और ये रोड है। अब इसमें बनाना मुश्किल है मगर ये रोड है, ये आप गाड़ी आप बिल्कुल समझिए कि स्क्रीन के अंदर ले जा रहे हैं। ठीक है, तो आपके जो टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन जो लगेगा वो कैसे लगेगा बताइए, आप बताइए कैसे लगेगा? मतलब गाड़ी आगे जाएगी तो पीछे लगेगा, पीछे लगेगा। एक तो फ्रिक्शन लगा, गाड़ी आगे जा रही है तो फ्रिक्शन पीछे नहीं लगता बल्कि आगे ही लगता है। वो चक्के को रोल कराने के लिए फ्रिक्शन आगे ही लगता है, वो आगे आप पढ़ेंगे चैप्टर रोटेशन में। एक फ्रिक्शन हमेशा पैरेलल टू द सरफेस लगता है, यही तो लगता है। मेरे को एक बात समझाओ तुम, फ्रिक्शन हमेशा पैरेलल टू द सरफेस ही तो लगता है ना भाई? एक बात मुझे बता कि अगर मैं किसी ये सरफेस ले लूं और इस पे बॉडी को ऐसे चलाऊं ऐसे, तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, और अगर इसी बॉडी को इधर चलाऊं तो फ्रिक्शन इधर नहीं लगेगा, ये बताइए पहले। लगेगा भाई, फ्रिक्शन अपनी डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट टू द मोशन रखेगा। अगर ऐसे चल रहा है तो फ्रिक्शन उधर लगेगा और ऐसे चल रहा है तो फ्रिक्शन ऐसे लगेगा। जब आपकी गाड़ी ऐसे जा रही है ना ऐसे, तो इसके पास दो तरह से मोशन के ऑप्शन आ गए। एक तो जब गाड़ी चल रही है तो आगे तो बढ़ ही रही है, अब सर्कुलर टर्न लिया आपने, अगर फ्रिक्शन आपको सर्कुलर टर्न प्रोवाइड नहीं करेगा तो फ्रिक्शन को पता है कि आप सर्कुलर टर्न नहीं प्रोवाइड करेगा तो आपकी जो गाड़ी है वो ऐसे स्किड मार जाएगी बाहर की तरफ। नहीं समझे? समझ गया सर, टेंजेंशियल हो चली जाएगी। टेंजेंशियली चली मतलब सेंटर अगर उधर है ना लेफ्ट की तरफ तो आपकी गाड़ी स्किड कर जाएगी राइट की तरफ। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो यहाँ पर फ्रिक्शन दोनों डायरेक्शन में लगेगा, ऐसा नहीं है कि फ्रिक्शन एक ही दिशा में लगता है। नहीं समझ में बात? जिधर भी रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी होगी फ्रिक्शन हमेशा उसके ऑपोजिट लगेगा। तो जब आप सीधा चल रहे थे, यू वर नॉट ट्राइंग टू टेक अ सर्कुलर टर्न, तो आपको सेंटर की तरफ कोई फोर्स नहीं चाहिए होता तो फ्रिक्शन उधर नहीं लग रहा था। बट जब आप चलते चलते सर्कुलर टर्न लेंगे तो फ्रिक्शन को पता है कि आप सर्कुलर टर्न तभी ले पाएंगे जब वो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स मिले, और नहीं मिलेगा तो आपका जो मोशन है वो ये, आप ऐसे चल रहे हैं ना सीधा, ऐसे चल रहे हैं, ऐसे घूम गए आप, तो अगर उसी पॉइंट पे आप ऐसे घूम गए और फ्रिक्शन एक्ट नहीं करे तो आप क्या करेंगे, बाहर की तरफ अगर स्लिप होंगे तो रिलेटिव मोशन आ जाएगा ना उस डायरेक्शन में।
स्किड कर जाएगी ना गाड़ी, तो स्किड करेगी तो रिलेटिव मोशन आएगा, रिलेटिव मोशन आएगा तो क्या होगा, तो रिलेटिव मोशन ही तो फ्रिक्शन को पसंद नहीं है, फ्रिक्शन ट्राइज टू अपोज द रिलेटिव मोशन, इसीलिए फ्रिक्शन रोल भी कराएगा चक्के को और साथ साथ चक्के पे इस तरह से भी लगेगा ताकि वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सके, ठीक है? यस सर ठीक है, तो इस पे बाकी चीजें नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, आज इतना ही।